मूवी के स्टार्टिंग में हमें ऑफिस में काम करता हुआ एक इवान नाम का लड़का दिखाया जाता है। वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और इवान के साथ चार और फ्रेंड्स भी उसी ऑफिस में काम करते हैं। और एक दिन उन सबका बॉस मैनेजर का अनाउंसमेंट करता है और सबको ऐसा लगता है कि मैनेजर तो इवान ही बनेगा, मगर उसका बॉस एक मैक्स नाम के नए वर्कर को मैनेजर बना देता है और ये देखकर इवान बहुत उदास हो जाता है। और फिर अगले दिन जब इवान ऑफिस आता है तो उसे वॉशरूम में एक वर्कर की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और वो डरकर जैसे ही अपने बॉस को बताकर वहां लाता है तो वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं होती और वो इवान की बात इग्नोर कर देते हैं। मगर उस कंपनी के गार्ड को इवान की बात पर यकीन हो जाता है। फिर इवान मैक्स के रूम में जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि मैक्स तो एक वैम्पायर है और उसने ऑफिस के सारे लोगों को मार मार कर वैम्पायर बना दिया होता है और उसका अगला शिकार उस कंपनी का बॉस होता है। फिर इवान अपने बॉस के पास जाकर उसे सब बता देता है और इवान अपने बॉस को बताता है कि मैक्स का अगला शिकार आप हो। तभी मैक्स अपने बॉस को मारकर उनका खून पीने लगता है, मगर इवान अपने ग्रुप के साथ मिलकर मैक्स और उन सारे वैम्पायर्स को मार देता है और वहां से चला जाता है। मगर फिर भी वहां एक वैम्पायर कहीं छुप गया होता है। फिर अगले दिन वहां ऑफिस में मेड सफाई करने आती है तो वहां वही वैम्पायर उसको मारकर उसका खून पी लेता है और यही मूवी एंड हो जाती है।